माननीय अधिकारी जी आप हैं, हमारी आज की एक मांग है, वो मांग इतनी बड़ी है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरी पिंडर घाटी, पूरा फोर, पूरा देवाल, पूरा नारायणगढ़ बगत है कूच के साथ उठेगा। हमारी मांग है तरीके से पूरे व्यापारियों ने, पूरे हिंदू संगठनों ने, पूरे जनप्रतिनिधियों ने एक आंदोलन करा, कहीं पर भी कोई उग्र इस प्रकार की तीव्रता नहीं हुई। इसके लिए मैं सभी साथियों का एक बार दिल से धन्यवाद करना और निवेदन करूंगा कि हमारी जो ये शक्ति है, हमारी जो सनातन शक्ति है, आज हमारी माताएं यहाँ पे पूरी आई हुई है, पूरे घाटियों से आई हुई है। आपसे एक ही निवेदन है कि अगर हमने अपने सनातन धर्म को जिंदा रखना है, हमने अपने हिंदुत्व के लिए, जिन्होंने लाखों रुपया कर्जा करके अपने रोजगार के लिए अपने धंधे चलाने, अपने दुकानें खोल रखी है, और इनका यहाँ प्रतिबंध लगना चाहिए। आप करवा चौथ पे इनके यहाँ नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के भाई रहते नहीं है। हमने इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमने इनको आर्थिक रूप से कमजोर करना है, और इसका उदाहरण है पिथौरागढ़ और आपका पुरोला और पूरा गुजरात, इसका एक साधारण उदाहरण है। वहाँ के लोगों ने इनके साथ कोई हिंसा नहीं करी, कोई लड़ाई नहीं करी, और इनका आर्थिक बहिष्कार हुआ। जब इनका आर्थिक बहिष्कार होगा, ये लोग खुद स्वतः यहाँ छोड़कर जाएंगे, तभी जाकर के हमारा बेरोजगार भाई यहाँ पनपेगा। आज हमें कल देख रहा था, हम आज कल देख रहे थे करवा चौथ का व्रत था, हमारे दुकानदार लोग 50 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए दुकानों में सामान रखा है, लेकिन हमारे हिंदू भाई आंख बंद करके वही सामान लेने जा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, आपसे निवेदन है, हम आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके सब हैं। आज हमारी एक बहन के साथ एक बलात्कार हुआ है, कल किसी और के साथ बलात्कार होगा, ऐसे बलात्कारियों को फांसी मिलनी चाहिए। और हम आपसे निवेदन करेंगे, अभी हमारे और मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहले 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, विजय भवन जी मुख्यमंत्री थे, हमें याद है। इनको, इनके पूरे परिवारों को इनके 7-7 लाख रुपया मिला है, ठीक है, और यूनियन भाषा पत्र में लिखे देना है।
सफर करने की जो तरीका है कि हम आवासीय मकानों में नहीं रहेंगे, आज ही वहाँ रह भी रहे हैं और धंधा भी कर रहे हैं, रोजगार भी यही कर रहे हैं। उसके बाद दुर्भाग्य इस बात का है कि नगर पंचायत से इनको पुनः फिर आवास के लिए दो दो लाख रुपए मिले और हमारा निवेदन है शांति की तरीके से हम लोग तहसील नहीं जाएंगे खान है जो सजा का दिलवर खान था जो इस अब इसका मुख्य अभियुक्त था उसको अभी वो जेल में है, अपना पुरसानी जेल में है, उसका मामला न्यायालय में गया है, न्यायालय जैसा उसका डिसीजन करेगा उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरे में थराली के जो मूल निवासी मुसलमानों को छोड़कर जो अन्य बाहर के जो मुसलमान थे उस पे साहब के द्वारा अभी यहाँ पर जाँच कराई गई है जिसमें 148 लोगों का सत्यापन करा दिया गया है। सत्यापन मीन्स ये है कि जो लोग भूल होंगे वही उनके लिए सत्यापन किया जा रहा है, जो नहीं होंगे उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी तैयार कर दी गई है जिसमें तहसीलदार साहब थाना थराली और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत थराली एक कमेटी बन गई है। ये कमेटी इन सारे ही लोगों का पुनः आकलन करेगी, जांच करेगी और उसका पूरा जो मामला है वो जिला अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेगी। समय अवधि डेट जो है 22 अक्टूबर 2024 तक ये अनिवार्य रूप से ये जो कमेटी है पूरी रिपोर्ट अपने एसडीएम साहब को सौंपेगी 22 अक्टूबर तक। माननीय अधिकारी जी, आप हैं हमारी आज की एक मांग है, वो मांग इतनी बड़ी है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरी पिंडर घाटी, पूरा होम, पूरा देवाल, पूरा नारायणगढ़ वगत है कूच के साथ उठेगा। हमारी मांग है कि इनको 2013 में 7-7 लाख इनके प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक आदमी को पैसा मिल चुका है और इन्होंने शपथ पत्र में लिख के दे रखा है कि आवासीय मकानों में नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग चलो घरों में रह भी रहे हैं लेकिन ये व्यवसाय भी यही लोग बाहर के कर रहे हैं। जो हमारे मूल यहाँ पे मुसलमान थे वो लोग, उनका बहुत कम लोगों का व्यवसाय है, जो ये है ये सारी बाहरी लोग हैं और आज उन्हीं घरों में जिनको 7-7 लाख में मिला है वही लोग उनको शरण दे रहे हैं बाहर के लोगों को। ठीक है, हमारा निवेदन है इनकी पूरी जांच हो जाए और इनके खिलाफ इन्होंने शपथ पत्र लिख के दे रखा है। बुलडोजर चल जाए, बुलडोजर चल जाए और इसके लिए हम एक हफ्ते का टाइम देते हैं। अरे वो तो ठीक है ना, इसके लिए एक हफ्ते का समय देते हैं, एक हफ्ते का समय। मुसलमान भाई है उनको सूची जो हमारे मूल अगले सर हमारे भाषा है हमारी कार्रवाई नहीं हुई तब तक ये तुम्हारा पकड़े एक महीने लग जाएगा।